हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक था, बिकमिंग डीप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति में हम थोड़ा डीप होना चाहिए या गहराई से भक्ति करना चाहिए। तो बहुत कुछ सीख सकते हैं इस टॉपिक से। एक तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो कभी कभी हमारी भक्ति केवल ऊपर ऊपर रहती है, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा ये दंड प्रणाम, बहुत कुछ प्रचलता है। लेकिन सब एक्सटर्नल एक्सटर्नल रहती है, इंटरनल भक्ति कभी बहुत बार नहीं हो पाती है। क्योंकि तो इंटरनल के लिए हमें उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है पर्सनल लाइफ। और एक्सटर्नली एक होता है हमारा पब्लिक लाइफ और एक होता है प्राइवेट लाइफ। तो पब्लिक लाइफ में तो हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं मतलब भक्तों के साथ में हरे कृष्णा ये है वो है तरह चलता है, नहीं भी करते हैं तो हो जाता है। लेकिन वो ही भक्ति का इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट लाइफ में नहीं हो पाता है। जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो अच्छे से भक्ति कर लेते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन अकेले रहते हैं उस भक्ति को हम उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इसका मतलब है भक्ति में हम अभी ज़्यादा डीप नहीं। वास्तव में भक्ति में जब व्यक्ति अकेला रहता है तो बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, मतलब बहुत उन्नत स्तर पर है तो अकेले में भी वो बहुत अच्छे से भक्ति कर पाएगा, लेकिन आप अकेले में नहीं कर पाते बिल्कुल भी। तो हमें भक्ति में ग्रो करना है, एक्सटर्नली तो ग्रो करना ही है, इंटरनली भी ग्रो करना है, अंदर में भी बने ग्रोथ रहते रहे। हैं अभी तक हम संन्यास लेवल पे चल रहे हैं। तो अंदर में भी ग्रो करना है, जिस तरह एक पेड़ पेड़ को हम लगाते हैं, पानी देते हैं, तो पेड़ बड़ा होता है और हम उसको देख पाते हैं कि हाँ बड़ा हो रहा है, अभी तो इतना बड़ा हुआ, अभी इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, अभी फूल आ गए, इसके अंदर फल आने लगे हैं। तो बाहरी रूप से हमें वो दिखता है कि हाँ पेड़ बड़ा हो रहा है, पौधा बड़ा हो रहा है, फूल दे रहा है, पेड़ बन गया, अभी फल दे रहा है, लेकिन उसका इंटरनल ग्रोथ दिखता नहीं कि वो जमीन में कितना अंदर में जा रहा है, कैसी उसकी पकड़ है, कितना अंदर जा रहा है। तो वास्तव प्रोग्रेस अगर ऊपर में हो रही है तो अंदर में भी प्रोग्रेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर ऊपर में प्रोग्रेस हो रही है, अंदर में कुछ नहीं हो रहा है। अगर केवल ऐसा रहेगा कि पेड़ ऊपर में ग्रो कर रहा है, अंदर में ग्रो नहीं कर रहा है, एक समय क्या होगा, बाहर भी रूप से बहुत बड़ा हो जाएगा, अंदर में ग्रो किया नहीं है, मिट्टी के साथ उसकी पकड़ नहीं है, जहां आंधी तूफान आएंगे ये पेड़ सबसे पहले गिरेगा, क्योंकि इसकी पकड़ ठीक से नहीं है, इसका इंटरनल ग्रोथ नहीं है, इसने मिट्टी का आश्रय नहीं लिया ठीक से, इसीलिए आश्रय लिया नहीं है तो बेसहारा हो जाएगा एकदम। तो इसलिए हमें एक्सटर्नल ग्रोथ तो होगी भक्ति में, फर्स्ट ईयर में आए, एक साल बाद, 2 साल, समय बीतता जा रहा है, सभी लोग बोलेंगे हम तो सीनियर हो गए, 5 साल से, 5 साल से, 20 साल पहले भक्ति में आए थे। तो समय के साथ बाहरी रूप से तो बोलेंगे लोग कि ये सीनियर है, लेकिन सीनियर मतलब सीन फ्रॉम मेनी ईयर्स, एक ऐसा होता है कि बहुत सालों से दिख रहे हैं, लेकिन क्या अंदर में भी उतना गहराई से भक्ति हुई या उतना हम प्रैक्टिस किए, इम्प्लीमेंटेशन किए भक्ति प्रोसेस को, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा चिंतन करने का आवश्यकता है। तो हमें भक्ति में प्रगति करना है, बाहरी रूप से तो करना ही है, आंतरिक रूप से भी करना है। तो भक्ति को हमें बहुत गंभीरता से करना चाहिए। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, आप केवल चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। तो कैसे हम भक्ति को, भक्ति में बहुत गहराई से सुदृढ़ हो सकते हैं, क्या करेंगे तो बहुत सुदृढ़ भक्ति में हो जाएंगे, मतलब केवल बाहरी भक्ति हमारी नहीं रहेगी, इंटरनल हमारी भक्ति भी स्ट्रोंग होगी, अंदर से भी स्ट्रोंग होगी। क्या करने से, आपको तो बहुत सालों से सभी है, सबका बहुत एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस इसमें टाइप करके बता सकते हैं कि ये करेंगे तो
हमारा भक्ति बहुत सुदृढ़ हो जाएगा, बहुत हम गहराई से सीख सकते हैं। तो आंसर आने लगे, सुमित ने बताया एसोसिएट विद प्योर डिवोटी, भगवान के शुद्ध भक्तों से, जो उन्नत भक्तों से अगर हम संग करेंगे तो हम भक्ति में गहराई में जाएंगे। केवल जूनियर भक्तों से ही संग करते रहेंगे, उनके एसोसिएशन करेंगे तो उतना उन्नत नहीं हो पाएंगे। रीडिंग एंड हेयरिंग, राजन ने बताया कि हम रोज रीडिंग और हेयरिंग अगर करेंगे नियमित रूप से, ये हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन रोज अगर रीडिंग हेयरिंग करेंगे तो हम भक्ति में इंटरनली स्ट्रोंग होंगे। रीडिंग हियरिंग रेगुलरली, राम रूप पता है कि हाँ रीडिंग हियरिंग करना है, लेकिन रेगुलरली करना है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार करते हैं, हफ्ते में एक बार क्लास अटेंड करते हैं, बस तो रेगुलरली करना है। चैंटिंग डीपली, तो अच्छे से जप करना है, ऐसा नहीं केवल जप कर रहे हैं, एक हाथ में माला एक हाथ में मोबाइल, केवल हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो भक्ति को गहराई से करने के लिए अच्छे अटेंटिवली बहुत सावधानी पूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कुलदीप को बता रहे हैं रीडिंग एंड हेयरिंग एंड चैंटिंग रेगुलरली, तो ये सब जो भक्ति का प्रोसेस है रेगुलरली करना चाहिए। ऐसा नहीं कभी जब जब ऊपर नीचे हो रहा है, हेयरिंग कभी कभी होती है कभी नहीं होती है, रीडिंग तो हफ्ते में एक आध बार, कभी संडे के दिन होती है, तो इस तरह तो सब रेगुलरली करें। अटेंटिव चैंटिंग हेयरिंग सेवा, एक नया पॉइंट आया कि सोच सेवा भी करें, तो सेवा करने से भी हम भक्ति में एक सही जगह पर स्थित होते हैं। लिविंग विद सीनियर डिवोटीज, सीनियर भक्तों के साथ में रहते हैं, हम उनके आचरण देखते हैं, तो हम भी थोड़ा सीनियर होते हैं। हम जूनियर के साथ में अगर हमेशा रहेंगे तो हम जूनियर ही बने रहेंगे। तो सीनियर भक्तों का संग करने से, जो भक्ति में उन्नत है उनका संग करने से, हम वो हमें भी अपने स्तर पर खींचते हैं। जस्ट फॉलो प्रोपर इंस्ट्रक्शंस, डिवोटी एसोसिएशन बुक रीडिंग चैंटिंग सोलह माला, सोलह माला जप करेंगे तो उन्नत हो रहे हैं। तो सोलह माला जप करें, बुक रीडिंग करें, भक्तों का संग करें। कमलनाथ ने बताया लविंग रिलेशनशिप विद डिवोटीज, ग्रेटिट्यूड एंड डिपेंडेंस ऑन देम, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सब बाकी लोग तो बता रहे हैं, नया कुछ पॉइंट आया, कमलनाथ बताया कि हमें लविंग रिलेशनशिप भक्तों के साथ एक प्रेममय संबंध रखना है, क्योंकि तो हम रीडिंग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन भक्तों के साथ हम अगर हमारा संबंध अच्छा नहीं है तो कैसे रहेंगे अच्छे से। तो इसलिए हमें एक प्रेममय संबंध भक्तों के साथ में जोड़ के रखना है, और वो संबंध को और गहरा करना है समय के साथ, उस प्रेम के संबंध को, और ग्रेटिट्यूड एंड डिपेंडेंस ऑन देम, तो और कृतज्ञता का भाव रखना हमेशा भक्तों के प्रति, कृतज्ञता स्पिरिचुअल मास्टर गुरु वैष्णव के प्रति और प्रभुपाद इस्कॉन के प्रति, हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना। जब तक कृतज्ञता हृदय में है तो हम कभी उनका संग छोड़ेंगे नहीं, हमेशा वो हमारे हृदय में रहेगा। एप्रिसिएशन फॉर ऑल द सर्विस डन बाय अदर्स, तो हमेशा हम एप्रिशिएट करें, जब ग्रेटिट्यूड हृदय में है तो ग्रेटिट्यूड को और बाहर एक्सटर्नली शो करना चाहिए। एक्सटर्नली शो करेंगे तो एप्रिसिएशन निकल के आएगा सभी के प्रति, ये बहुत अच्छा है, मैं इनसे ये सीखा ये सीखा, जहाँ जाए जहाँ जहाँ अलग अलग तो वैरायटी है, अलग अलग बहुत सारे भक्तों का संग मिलेगा, अलग अलग जगह अलग अलग मंदिरों से कनेक्शन होगा, तो सबको हमेशा अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएशन का मूड हमारे हृदय में रहे। तो हम चर्चा कर रहे हैं कैसे हम भक्ति में बहुत गहराई से सिचुएट हो सकते हैं, तो आप सबसे ही सुन के हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो गहराई से जब करेंगे, और सुरेश प्रभु ने बताया ईटिंग प्रसादम, सुरेश प्रभु एक्सपर्ट है, उन्होंने प्रेमचंदन प्रभु से बहुत अच्छे से सीखा है प्रसादम बनाना, तो प्रसाद को भी प्रसाद ग्रहण करें, तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो शुद्धता से खाना बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग जगह हमारा ईटिंग खाने की शुद्धता कम हो जाती है, तो हमें प्रयास करना चाहिए जो हम खाएं वो शुद्ध रहें, खुद बना के खा के भोग लगा सकते, कहीं नहीं बनाए खुद बना सकते, अच्छा है, प्रसाद मिलेगा हमेशा, भगवान को भोग लगाएंगे तो हम भक्ति में हमेशा प्योर बने रह सकते हैं, क्योंकि वहां से प्योरिटी सत्वगुण हमेशा बना रहेगा। शेयरिंग वन ओन्स प्रॉब्लम विच इज बिकमिंग ऑब्स्टेकल डिवोशन टू द डिवोटीज, तो जिस तरह कमलनाथ ने एक पॉइंट बताया था कि लविंग रिलेशनशिप विद डिवोटीज, तो इसी तरह रूप गोस्वामी का एक प्रिंसिपल है भक्तों के साथ, किस तरह हमें आदान प्रदान करना चाहिए, ददाति प्रतिग्रहणाति, उनको हमें कुछ गिफ्ट दे कुछ गिफ्ट ले, गुह्यम् आख्याति पृच्छति, कुछ उनको हम शेयर कर सकते हैं हमारे मन की बात, उनसे सुन सकते हैं, और
भुंजते भोजयते चेव, प्रसाद प्रसाद भक्तों को खिलाएं और प्रसाद खाएं भी। तो ये लविंग रिलेशनशिप, तो इस तरह अगर हम शेयर करते हैं वो प्रिंसिपल को भी, रूप गोस्वामी प्रिंसिपल ऑफ भक्तों के एसोसिएशन में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम भक्ति में उन्नत बने रहेंगे, डीप बने रहेंगे। तो इस तरह बहुत सारे पॉइंट बहुत सारे भक्तों ने शेयर किए कि कैसे हम भक्ति में डीप बने सकते हैं या अंदर जाएंगे, क्योंकि जब हम भक्ति में ऊपर में रहेंगे, तो इस तरह एक लेक्चर में सुना था कि जब हम समुद्र में कोई ऊपर में रहता है, कोई मछली समुद्र में ऊपर में है, तो ऊपर में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, डिस्टरबेंस रहते हैं, कभी लहर आएगी उड़ा ले जाएगी इधर उधर, इधर से उधर फेंक देगी, उधर से उधर फेंक देगी। तो समुद्र में, ये पानी में जब ऊपर में कोई है, कोई मछली ऊपर में तैर रही है, तो लहरों के कारण बहुत सारे डिस्टरबेंस आएंगे, कोई व्यक्ति आके उसको जाल जाल फैला के पकड़ सकता है, व्यक्ति आके जाल में पकड़ ले जाएगा, मछुआरा आके पकड़ के लेके चला गया। और हो सकता है कभी कभी कुछ इस प्रकार की चिड़िया भी रहती है जो ऊपर से ईगल की तरह ऊपर से आती है और पानी के अंदर देख लेती है कि कोई मछली है जो समुद्र में ऊपर की तरफ ऊपर ऊपर में तैर रही है, तो ऊपर से ऐसे आएगी उठा के लेके चली जाएगी। तो ऊपर में रहने से बहुत डिस्टर्बेंस, कि ऊपर ऊपर में तैर रहे तो व्यक्ति समस्या में रहता है, ऊपर में या ऊपर ऊपर ऊपरी तरह से भक्ति करेंगे तो स्थिति हम सही रूप से स्थित नहीं है। लेकिन वही मछली अगर पानी में अंदर जाके तैरेगी तो अंदर में सेफ है, ऊपर के कंपैरिजन में जितना नीचे जाएगी उतना सेफ रहेगी, डिस्टरबेंस नहीं है, वेव्स नहीं है, मछुआरा अंदर जाके उसको पकड़ेगा नहीं। तो इसी तरह हमें भक्ति में गहराई से भक्ति करनी चाहिए। कुल मिला के ओवरऑल यही पॉइंट है, जिस तरह पेड़ का एग्जाम्पल बहुत सटीक, इस तरह पेड़ बाहरी रूप से बढ़ता है, इंटरनली भी ग्रो करना चाहिए। तो बाहरी रूप से प्रगति तो पेड़ की दिखती है, इंटरनल उसकी ग्रोथ दिखती नहीं है कि ये व्यक्ति कितना इंटरनली ग्रोथ है। इसी तरह भक्तों को भी हम एक्सटर्नली देख पाते हैं कि ये अच्छा है, ऐसा है, इस पे है, लेकिन इंटरनली हम देख नहीं पाते। तो इंटरनली हमें खुद ही पता रहता है कि मैं किस स्तर पर हूँ, क्या मेरी भक्ति का स्तर है, मुझे पता है। तो पर्सनली हमें खुद ही उसको, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसमें उसमें ग्रोथ करना चाहिए। कोई आपसे बोलेगा नहीं, जैसे सीनियर हो जाते हैं कोई फॉलो अप नहीं करता, जब शुरू शुरू भक्ति में आए थे 2 4 6 महीना 1 2 साल, भक्तों में ऑब्जर्व करते थे, फोन लगाते थे, फॉलो अप लेते थे, पूछते थे कि क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, जब बढ़ाओ ये बढ़ाओ। लेकिन अब जब साल हो गए हैं, पास आउट हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं, अब कोई फोन लगा के पूछेगा नहीं, अरे तो वो आपका जप हो रहा है कि नहीं, आपने जप किया कि नहीं, कैसा चल रहा है आपका, नहीं पूछेंगे। तो उसके लिए क्या, अभी खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हम खुद ही अपनी प्रोग्रेस को देखें, चेक करें कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट है, या नीचे जा रहा है। जब बेस में थे तो देखा कि शुरू शुरू में आए थे हम भक्ति का ग्राफ सालों के साथ हमारा ऊपर ही जा रहा था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और जब बढ़ गया, रीडिंग हियरिंग बढ़ गया, भक्तों का संग, तो भक्ति के संग भक्त का ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा था, फिर कुछ समय कांस्टेंट भी बना रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है, पास आउट होने के बाद, बेस से जाने के बाद वो ग्राफ कहाँ गया, कैसे डिक्रीज हुआ, कभी कभी वर्टिकली डिक्रीज हो जाता है एकदम, कभी कभी ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, लेकिन कभी कभी एकदम से डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो भी हो, डिक्रीज तो होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा मेहनत करके उसके ऊपर एंडेवर करके फिर उस ग्राफ को प्रोग्रेस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मेहनत करेंगे, सोचेंगे, प्लान करेंगे तो फिर से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जो भक्ति में ग्राफ है उसको हम फिर से पहले जैसा ला सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो हमें तो भक्ति करना ही है,
और साथ में बाकियों को भी भक्ति कराना है। तो इसलिए हमें एज ए सीनियर भक्ति में अच्छे से अच्छे से सिचुएट होना है, गहराई से, साथ में बाकी लोगों को भी उस स्तर पर लेके आना, मतलब इस तरह प्रचार करना है, लोगों को जोड़ना है और उनको भी उस स्तर पर लेके आए, मतलब इसी स्तर पर रहें कि अगर आंधी तूफान आया और एक व्यक्ति आंधी तूफान से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आश्रय लिया और वो पेड़ ही उसी के ऊपर गिर गया, तो उसकी क्या गति होगी भाई? जिसका आश्रय लिया वही गिर गया, क्योंकि उसके पास ही अपना आश्रय नहीं था, वही उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी। तो इसीलिए हम हमारी भक्ति में जो जड़ें हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हमारे रूट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाए। आप सबने ऑलरेडी, सबको एक्सपीरियंस है और सबने बताई दिए क्या पॉइंट्स हैं, किसके माध्यम से कैसे हम रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जब हमारी रूट्स स्ट्रांग हो जाएगी तो हम भी बाकी लोगों को भक्ति में जोड़ सकते हैं। तो जितना हम अच्छे से स्ट्रांगली भक्ति करेंगे उतने लोगों को हम भी भक्ति में जोड़ सकते हैं। तो इस तरह कुछ पॉइंट्स है, और भी एक दो पॉइंट भक्तों ने टाइप किए थे। Having clarity and good understanding of the basic philosophy of Krishna consciousness, संबंध अविधेय। तो ये कुछ पॉइंट्स है, संबंध अविधेय प्रयोजन, इसका एक सही बेसिक्स क्लियर रहे हमारे भक्ति में, नहीं पता चले कुछ दिन बाद हम हमारे बेसिक से ही हिल गए, हम डेमिगॉड वर्शिप में पहुंच गए या मायावाद में, या तो एक बेसिक फिलोसॉफी हमारी क्लियर रहे, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, भक्ति क्या है, प्रोसेस क्या है, और फिर डोंट लिव इन नॉन डिवोटीज सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम। भक्तों के संग में बहुत रहना पड़ता है, बहुत बार उनसे डीलिंग करना पड़ता है, लेकिन हमें ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, बार बार भक्तों के संग में आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कहाँ है भक्तों का संग, दिल्ली में पुराने जितने भक्त बेस वाले एक साथ आके मिल सकते हैं, या भक्तों का संग ढूंढना चाहिए, वहां से हमें शक्ति मिलेगी भक्ति में सही से सिचुएट, सही से बने रहने के लिए। तो भक्तों के संग को हमें ढूंढना चाहिए। स्ट्रिक्टली फॉलो द साधना भक्ति इन गाइडेंस ऑफ द गुरु। तो गुरु वैष्णव के सानिध्य में रह के हमें साधना भक्ति को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, फॉलो गुरु साधु शास्त्र, साधु गुरु शास्त्र का पालन करना चाहिए। तो हमने आज चर्चा किया कैसे हम भक्ति में गहराई से स्थित हो सकते हैं, इस विषय के ऊपर चर्चा किया। दो चार पॉइंट्स ही मैं बताया, बाकी आप सब लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, उसको हमने डिटेल्स में चर्चा किया। तो किसी का कुछ कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न है बता सकते हैं इस पॉइंट से रिलेटेड, एनीवन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि यस जैसे आपने बताया कि हमें हम एक्सटर्नली तो हमारा ग्रोथ दिखता है, लेकिन इंटरनली इसको हम वो नहीं कर पाते। तो इंटरनली किसी को नहीं दिखता है, तो हम कैसे क्या प्रावधान ले अपने जीवन में कि हम एक्सटर्नली हमारे इंटरनल ग्रोथ को हम कल्टीवेट या फिर मॉनिटर कर सकें। तो एक्सटर्नली इंटरनल ग्रोथ को प्रोवाइड करें, इसलिए साधना कार्ड बनना पड़ेगा कि हम रीडिंग करते हैं कि नहीं, कोई तो देखता नहीं है। साधना कार्ड में लिखे कि हम, मैं इतना रीडिंग करता हूँ, हेयरिंग करते हैं कि नहीं, कोई तो देखता नहीं है, लेकिन हेयरिंग करें और इसको लिखें, सेवा कर रहे हैं उसको लिखें, फिर उसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो एक्सटर्नली लेके आए कि ये मेरा रिपोर्ट है, इस हफ्ता मैंने ये किया, ये मेरा ग्राफ है। तो एक्चुअली तो वो कोई देख नहीं रहा है आपको, आप उसको जो इंटरनली था उसको प्रैक्टिस में लाके साधना कार्ड में लिख के उसको एक्सटर्नली प्रेजेंट किया, तो वो हेल्प करता है, फिर उसमें हम और गाइडेंस ले सकते हैं, धीरे धीरे उसका जो स्कोर तो पता चलता है कि ये मेरा स्कोर है, धीरे धीरे उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और फिर और नथिंग वर्क देन प्रे प्रे एंड प्रे, लग रहा है कुछ काम नहीं कर रहा है तो भगवान से प्रार्थना करें, एक बहुत सरल तरीका है, भगवान से रोज प्रार्थना करना चाहिए हमें। अंशुल को कुछ बोलना चाहते हैं?
हरे कृष्ण प्रोजेक्ट। एक क्वेश्चन था बोजी, यस जैसे कि आपने बताया कि हमें साधु संग करना चाहिए, हियरिंग करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, तो उसी उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। जैसे कि हम लोग आज देख सकते हैं कि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे हियरिंग करने के लिए लेक्चर्स मिल जाते हैं, और इस्कॉन के काफी लेक्चर्स है, साथ ही साथ और भी संप्रदाय के भी लेक्चर्स है। खासकर मैं बोलना चाहूंगा ब्रह्मानंद महाराज जी है, उनका भी लेक्चर बहुत अच्छा लगता है लोग सुनने के लिए, कि हाँ सुन सकते हैं, लेकिन सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, और कहाँ तक सही है ये, और अपना इस्कॉन को ही फॉलो करना चाहिए, थोड़ा सा डाउट था तो मार्गदर्शन दीजिए थोड़ा। तो बहुत सारे स्पीकर हैं, यूट्यूब तो पूरा सोर्स है, अलग अलग इस्कॉन के बहुत सारे स्पीकर हैं, बहुत सारे बाहर के भी स्पीकर हैं, सुनते हैं अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो सुनने में ही अच्छा लगता है, हम उसको प्रैक्टिकली लाइफ में उतना अप्लाई नहीं कर पाते। अच्छा है, सुन सकते हैं, लेकिन बेस्ट है हम एक प्रभुपाद, क्योंकि स्पेशली हम उसपन में हैं, शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़े, प्रभुपाद की लेक्चर सुने, और फिर इनिशिएटेड है दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के माध्यम से, एक सही परंपरा के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं, तो बाकी से भी सुन सकते हैं, लेकिन मेन कंटेंट हमारा यहाँ से होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर और इस तरह कहीं हम सुनते भी हैं तो उसको हमें पकड़ लेना चाहिए कि हाँ ये जो बोलते हैं वास्तव में तो ये प्रभुपाद ने इस लेक्चर में सर बताया है, ऐसा नहीं कि वो कुछ नया कुछ बोल रहे हैं, जो भी आप इधर उधर बाकी जगह सुन रहे हैं थोड़ा सा वो उसका पैकेजिंग अलग है, लेकिन वो कंटेंट हमारे लाइन में भी है, गीता भागवत में है, हमारे प्रभुपाद के लेक्चर में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो उसका पैकेजिंग अलग पैकेजिंग करके आपको कहीं से तो मिल रहा है, तो उसको पैकेजिंग को तो देख के हमें उसका कंटेंट को यहाँ पे भी देख लेना चाहिए कि वास्तव में ये कंटेंट तो इधर भी है। मान लो कोई किसी ने हरिनाम के बारे में बहुत अच्छा बताया, कि बाहर के आचार्य उन्होंने हरिनाम के बारे में बहुत अच्छा बताया, तो वो हरिनाम के बारे में हमें अच्छा लगा, उन्होंने कोई एग्जाम्पल दे के बताया, तो एग्जाम्पल नया था, कभी नहीं सुना, लेकिन जो प्रिंसिपल उन्होंने बताया वो प्रिंसिपल निकाल के लाएंगे इधर, पता चल जाएगा अरे ये तो हरिनाम चिंतामणि से मैं इस तो सेम लिखा है, हरिदास ठाकुर ने बताया है प्रभुपाद के लेक्चर में, इस तरह मिल जाएगा कंटेंट प्रिंसिपल, एक प्रेजेंटेशन ही पता लग जाता है, तो इस तरह कहीं हमें बताया तो उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि वास्तव में यहाँ से ऐसा प्रभुपाद ने भी ऐसा यहाँ पे बताया, और मेन कंटेंट हमारा हमारे परंपरा से आना चाहिए, उससे हम परंपरा से सही रूप से हमेशा जुड़े रहेंगे, यहीं से हमें प्रेरणा मिलेगा। हरे कृष्ण। हाँ तो कैसे हरिनाम में जुड़े जुड़े हमारे साथ में एक प्रभु है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, सफाई पास आउट क्या हरे कृष्ण जय। सफाई जाने आज अंशुल प्रभु अच्छा और जंक्शन देखे अंशन, हुए लखन लखन प्रभु, लखन हरे लखन कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु, हरे आयुष कृष्ण प्रभु, प्रभु, और हरे कृष्ण कमलनाथ प्रभु, प्रभु, अच्छा वो गंगावत को नाम कमलनाथ प्रणाम, प्रभु, विकास पवार, शुभम प्रभु, अच्छा फिर हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत आश्रय प्रणाम, आश्रय गोपीनाथ, जाने आश्रय गोपीनाथ, हाँ गोपाल पटेल, गोपाल गोपाल पटेल, पटेल है, अंकित हाँ कुमार, जाने तो कैसे भक्ति में अच्छे से सिचुएट होना चाहिए, हमारे पास तो लाइव एग्जांपल है, सबने देखा है, पांडुपुत्र प्रभु तो हाँ एक दो शब्द बता दो कि के भावे भाल भक्ति करे सिचुएट होते पारे, एक बड़े बड़े भक्त है तो बाबू, किसी बोला जाए ताड़ाताड़ी बोलो हरे कृष्णा बाबू, ताड़ाताड़ी, भगवान वाल से चांदियम आसलो मारा जब पत्ते, हरे और कृष्णा गीता बाबू, भागवत पढ़ाई करो और प्रभुपादेर बुक पढ़ाई करो, हाँ আর ভগবানের সম্বন্ধে জানতে হবে তো, কিছু চৈতন্য চরণ তো ভাগবত পড়তে হবে, গীতা ভাগবত পড়তে হবে, হ্যাঁ প্রভুপাদ বলেছে চার নিয়ম আর ষোলো মালা জপ আর ইস্কনের প্রচার প্রভুপাদের প্রচার, হ্যাঁ যদি করে কোনো ভক্ত তাকে প্রভুপাদ নিয়ে যাবে, বলে হরে হরিব কৃষ্ণ হরিব, জয়, আমাদের ধর্মকৃষ্ণ প্রভু আছে এখানে, হরে কৃষ্ণ, তো अरे नीमू का सार बता दिया प्रभु ने क्या करना है।
गीता भागवत पढ़ो, चार नियम पालन करो, सब बात जुड़े रहें और भगवत धाम दे जाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का और कोई पॉइंट है लास्ट शेयर कर सकते हैं? बहुत सारे भक्त जयंती हैं, विकास कुमार को एक मैं एक जस्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहता था कि भक्ति में अगर डीप जाना है तो हम ऐसे आचार्यों के 5 टाइम्स में कंटेम्पलेट कर सकते हैं हमेशा, जो अलग अलग हमारे आचार्य हैं, अगर हम उनके जीवन पर अलग अलग जो 5 टाइम्स हैं उनके, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग क्वालिटीज को दिखाया है अपने, तो अगर हम उनपे कंटेम्पलेट करते हैं, उनको बार बार पढ़ते हैं, उनके बारे में बार बार श्रवण करते हैं, तो भी हम भक्ति में गहराई में जा सकते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर का अगर हम चरित्र पढ़ते हैं, भक्तों का चरित्र पढ़ने से, प्रहलाद महाराज का चरित्र पढ़ते हैं, इतनी डिफिकल्टी में भी भक्ति किए, या हरिदास ठाकुर का पढ़ते हैं कि लक्ष हीरा उनके सामने आई फिर भी वो भगवान के नाम का जप करते रहे, या ध्रुव महाराज का पढ़ते हैं कि उनको अगर ऐसी स्थिति में उन्होंने भगवान की शरण ली, किसी और की शरण नहीं ली, या रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का पढ़ते हैं कि सनातन गोस्वामी किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए, रूप गोस्वामी आए, रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में पढ़ते हैं कि कैसे घर बार छोड़ के भाग के आए, या गोपाल भट्ट गोस्वामी का पढ़ते हैं कि कैसे साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु का उनको आश्रय मिला, नित्यानंद प्रभु कैसे जगाई मधाई का मार खाने के बाद भी उनको प्रेम दिए। तो मतलब हम लोग क्या, हमारे बघेली में कह रही है देखा सीखी करत है, देखा सीखी मतलब देख के दूसरों से सीखता है, तो मनुष्य का स्वभाव है देख के सीखता है। तो जब ऐसे आचार्य, जब ऐसे गुरु वैष्णव सबके चरित्र का चिंतन करता है व्यक्ति, श्रवण करता है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं थोड़ा तो गहराई आता है। और दूसरा पॉइंट जो ये था, दूसरों से श्रवण करने वाला, प्रभु जी तो काफी कृपालु है, डायरेक्टली नहीं बोले, पर नहीं श्रवण करना चाहिए, इस्कॉन के बाहर किसी को श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्तर कई बार इतना नहीं होता है कि हम उसको सही पर्सपेक्टिव में ले पाए। बहुत बार हमारा इस्कॉन के लिए ही अप्रिसिएशन कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या है कि हमारा मन थोड़ा भौतिक है, संसारी मन है हमारा, तो हमको थोड़ा इधर से चखने में, थोड़ा इधर से चखने में, थोड़ा इधर से चखने में बहुत मजा आता है। पर दिक्कत ये होता है कि अगर आप इधर उधर से सुनेंगे तो आपका अप्रिसिएशन कल प्रभुपाद के लिए ही कम हो जाएगा, इस्कॉन के लिए कम हो जाएगा। इसलिए नहीं कि इस्कॉन में कमी है, इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि आपको अलग अलग नया चीज बहुत सुंदर लगता है, बहुत मीठा लगता है। अभी आप रोज रसानंद प्रभु से सुनेंगे या रोज धर्मेंद्र प्रभु से सुनेंगे तो वो हो सकता है उतना, क्योंकि भौतिक बुद्धि है ना, उसको नित्य नवीन अच्छा लगता है, उसको संसार की चीजें नई नई। पर जब आध्यात्मिक आदमी हो जाता है तो उसको वही चीज अच्छी लगती है, वही जो 16 माला अच्छा लगेगा, वही आचार्यों से सुनना अच्छा लगेगा। तो अगर हमको इधर उधर सुनने का बहुत मन कर रहा है, इसका मतलब है हमारी बुद्धि अभी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक नहीं हुई है, और उसका बहुत लंबा दुष्परिणाम होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं जो इस्कॉन से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और उनको कहीं कोई फिर शेल्टर भी नहीं है, क्योंकि बेस हर जगह थोड़ी ना है। हम यहाँ पूना आए हैं, पूना में हमको बेस मिला है, हम यहाँ से दिल्ली, आप लोग कुछ लोग हैं दिल्ली में बेस मिला है, और कौन दे पाएगा हमको, प्रभुपाद के अलावा कौन ऐसा शेल्टर दे पाएगा? हम किसी और के प्रति का सुनेंगे लेक्चर, उसके प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ेगा, वो हमको क्या दे पाएंगे? प्रभुपाद जितना हमको दिया उतना दे पाएंगे क्या? हमको धर्मेंद्र कृष्ण प्रभु का लेक्चर सुनने को मिल रहा है, हमको रसानंद प्रभु का इतना संग मिल रहा है, हम जहां भी जा रहे हैं हमको इस्कॉन का मिल रहा है। अगर किसी और लेक्चर सुनने से हमारा इस्कॉन के प्रति ही शरणागति कम हो जाएगा तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ना सुने, प्रभुपाद का सुने, गुरु का सुने, या जो हमारे लाइन में है उनका सुने, इधर उधर का ना सुने। क्षमा करिएगा इस पॉइंट के लिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है पहलू ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो और किसी का कोई तो है लास्ट पॉइंट? तो कुछ नाम बस मैं अनाउंस करने वाला था हमारे।